7 नवंबर 1872 में अटलांटिक ओशन से अचानक 10 लोग गायब हो गए। जब इनके शिप को रेस्क्यू किया गया तो हर चीज एक बिल्कुल अनटच्ड हालात में थी। शिप पर ना तो कोई चोरी हुई थी और ना ही कोई सामान गायब हुआ। बस गायब हुए तो वो लोग जो शिप से इटली जा रहे थे। क्या हुआ उन 10 लोगों के साथ और वो कहाँ थे? कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि मैरी सेलेस्टी शिप एक भूतिया जहाज है। ये कहानी आज भी एक ऐसी मिस्ट्री बनी हुई है जिसने पिछले 150 साल में इतिहासकारों की नींद उड़ा रखी है। आखिर क्या थी ये दास्ता और क्या सच में मैरी सेलेस्टी पर आत्माओं का राज था? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जी ज्ञान में। मैरी सेलेस्टी को 1861 में कनाडा में बनाया गया था और उस समय इसका नाम मैरी सेलेस्टी नहीं बल्कि अमेज़न था। अमेज़न ईयर 1861 में अपना पहला सफर शुरू करती है। शिप न्यूयॉर्क से लंदन जा रही थी और इस शिप के कैप्टन थे रॉबर्ट मैकलेन। सफर के दौरान कैप्टन रॉबर्ट की तबीयत खराब हो गई। हालांकि उस समय सफर के दौरान ऐसा होना आम बात थी, लेकिन जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उन्हें स्पेंसर आइलैंड लाया गया जहां कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। खैर, इस सफर को दोबारा शुरू किया गया और इसके अगले कैप्टन बने जॉन नटिंग पार्कर। अमेज़न अपनी पहली यात्रा के दौरान ही बीच समुद्र में सामने से आ रही एक शिप से कोलाइड कर गई, जिससे कि पूरी शिप डूब गया। और यहाँ हैरानी की बात तो ये थी कि डूबे शिप के क्रू मेंबर्स के बारे में आज भी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कैप्टन पार्कर ने ही अगले 2 साल तक अमेज़न की कमान संभाली, जिसके बाद इस शिप की ऑनरशिप बदलती रही और इसे रिचर्ड डब्ल्यू हैनिस नाम के शख्स को बेच दी गई। रिचर्ड ने इसे रीरेनोवेट किया और इसे एक नया नाम दिया मैरी सेलेस्टी। पिछले कुछ हादसों की वजह से अमेज़न की जो रेपुटेशन खराब हुई थी उससे बचने के लिए इसे नया नाम दिया गया, इस उम्मीद में कि ये नया नाम इसकी नई तकदीर लिखेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं हुआ। मैरी सेलेस्टी की खरीद के बाद रिचर्ड की पूरी कंपनी कर्ज में डूब गई और क्रेडिटर ने बदले में उनके सारे जहाज कब्जे में कर लिए। और अगले 4 साल तक मैरी सेलेस्टी को किसी न किसी वजह से बेचा जा रहा था, जिसके बाद इस शिप की ऑनरशिप मिली जेम्स एच विंचेस्टर को और जून 1872 में इसे एक बार फिर से रिस्टोर किया गया। 7 नवंबर 1872 में इस दिन न्यूयॉर्क में मैरी सेलेस्टी कैथनोल के बैरल लोड किए जा चुके थे। ये सारे बैरल्स इंडस्ट्रियल यूज के लिए इटली से जेनोवा तक जाने थे। शिप के कैप्टन बेंजामिन स्पोनर ब्रिक्स के साथ 7 क्रू मेंबर्स, उनकी वाइफ और उनके साथ 2 साल की छोटी बच्ची थी। मैरी सेलेस्टी ने अपना अंतिम सफर शुरू किया जो कि लगभग 7500 किलोमीटर लंबा होने वाला था। उन दिनों यह दूरी तय करने में दिन नहीं बल्कि हफ्ते लग जाते थे। 2 हफ्ते गुजर गए लेकिन मैरी सेलेस्टी अभी तक जिनोवा नहीं पहुंची थी, जबकि जो शिप 7 नवंबर के बाद न्यूयॉर्क से चली थी वह भी अब जिनोवा पहुंचना शुरू हो गई। लेकिन सवाल तो ये था कि आखिर मैरी सेलेस्टी गई तो गई कहाँ? उस समय जीपीएस या नेविगेशन और एडवांस डिवाइसेस मौजूद नहीं थे, जिससे कि कैप्टन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया जाना मुश्किल था। मैरी सेलेस्टी की रवानगी के 10 दिन बाद न्यूयॉर्क से एक और शिप जिनोवा की ओर रवाना हुई। ये डेई ग्रेटिया नाम की ब्रिटिश मर्चेंट शिप थी जो 3 हफ्ते बाद अजोर आइलैंड के पास से गुजर रही थी। जब कैप्टन डेविड मोरहाउस समुद्री रास्ते निहार रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक शिप समुद्र के बीच खड़ी है। ये देख कैप्टन ने शिप को सिग्नल भेजा जिसका कोई रिप्लाई नहीं आया। लास्ट में कैप्टन शिप के पास गए तो उन्होंने देखा कि ये शिप तो उनके दोस्त बेंजामिन की थी जो 7 नवंबर को इटली के लिए रवाना हुई थी। मैरी सेलेस्टी ने अपने डेस्टिनेशन से 18 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में शांत खड़ी थी। कैप्टन डेविड ने अपने क्रू मेंबर्स को मैरी सेलेस्टी की चेकिंग के लिए भेजा तो उन्होंने देखा कि शिप पर कोई भी नहीं था। सब हैरान थे कि आखिर लोग गए तो गए कहाँ। उनकी परेशानी तब बन गई जब उन्होंने देखा कि शिप काफी ज्यादा बेहतर हालात में है। एथेनॉल बैरल्स भी शिप में ही मौजूद थे। मेंबर्स का खाना और कपड़े भी बिल्कुल अनटच्ड हालात में थे। जब थोड़ी और छानबीन हुई तो कैप्टन के रूम से एक लॉग बुक मिली। लॉग बुक में शिप से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को लिखा जाता है। इस बुक में कैप्टन बेंजामिन ने लास्ट एंट्री 25 नवंबर सुबह 8 बजे की थी। डेई ग्रेटिया के कैप्टन को कुछ समझ आता इससे पहले उनकी नज़र लाइफ बोट वाले सेक्शन पर पड़ी जहाँ से लगभग सारी बोट्स गायब थी। ये सब एक ही बात की ओर इशारा कर रहे थे कि शिप के साथ कुछ गलत हुआ जिसके कारण वो मेंबर्स लाइफ बोट के जरिए कहीं भाग निकले। शिप से नेविगेशन डिवाइस भी मिसिंग थे, लेकिन एक बार डेविड मोरहाउस को खाई जा रही थी कि शिप पर ना तो किसी तरह का वायलेंस हुआ और ना तो कोई चोरी हुई, तो इसके बावजूद क्रू मेंबर्स गए तो गए कहाँ? इंटरनेशनल सेल्वेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई शिप किसी दूसरी शिप को रेस्क्यू करने में हेल्प करती है तो उसे शिप की वैल्यू का रिवॉर्ड दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए डेई ग्रेटिया की कैप्टनशिप को उनके फाइनल डेस्टिनेशन ग्लिबेटर ले आए,
जहां अथॉरिटीज ने शिप को कंट्रोल में ले लिया और तब तक कंट्रोल में रखा जब तक कोर्ट की सुनवाई पूरी नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन के बावजूद कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट में देई ग्रेटिया शिप के कैप्टन पर यह एलिगेशन भी लगाया गया कि उन्होंने रिवॉर्ड पाने के चक्कर में क्रू मेंबर्स को मारा होगा। हालांकि ये बात कोर्ट में साबित नहीं हो सकी और इस केस को बंद कर दिया गया। क्रू मेंबर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैरी सेलेस्टे की इस अनसॉल्व मिस्ट्री ने आज भी हिस्टोरियन की नींद उड़ा रखी है। आखिर क्रू मेंबर्स गए तो गए कहाँ? क्या सच में मैरी सेलेस्टे को घोस्ट कंट्रोल करते थे? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना भूलिएगा मत। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।